आज की दुनिया में डेटा जमा करना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका उपयोग क्या है? तो डेटा वह कच्चा माल है जिससे AI विश्लेषण और पूर्वानुमान करते हैं और आप मोबाइल फोन से बहुत अधिक डेटा का उत्पादन करते हैं। 1990 के दशक में इंटरनेट के साथ डेटा तक पहुंच और AI उपयोग में वास्तव में तेजी आई। इस तरह डेटा संचालित विश्व बना जिसमें हम आज रहते हैं। अभी हमारे पास विश्लेषण और व्यक्तिगत पैटर्न पहचान प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने वाले डेटा की कोई कमी नहीं है। सोचे इस वीडियो से कितना डेटा बनाया जा रहा है। शायद आप संदेश भेज रहे हो, साथ ही बगल में कोई कॉल पर हो, किसी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की होगी और कोई स्ट्रीमिंग ऐप पर सीरीज देख रहा होगा जिसमें उसकी रुचि हो। जी हाँ, ये गतिविधियां नया डेटा बनाती है। हर सेकंड डेटा लगातार उत्पन्न हो रहा है, फिर भी कच्चे डेटा को परिष्कृत करने की जरूरत है। यह जरूरी है क्योंकि एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने में डेटा सेट की गुणवत्ता का AI मॉडल की सटीकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब उन्नत AI मॉडल बनाने में विविध और प्रतिनिधिक गुणवत्ता वाला डेटा आवश्यक है। संगीत स्ट्रीमिंग सोचे। पसंद के सुझाव के लिए यह आपकी आदतों के डेटा का उपयोग करता है, जैसे कौन से गाने छोड़ते हैं या बार बार सुनते हैं, क्या प्लेलिस्ट है आदि। यह रोज के अनुभवों को बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण है, जहां डेटा सेट एक AI मॉडल को अगला गाना सुझाने के लिए प्रशिक्षित करता है। और डेटा विश्लेषण और सीखने में मशीन लर्निंग का उपयोग होता है। और इतना ही नहीं, जानकारी होने पर हम इसे AI मॉडल को प्रशिक्षित करने, उत्पादों और सेवाओं में सुधार करने, भविष्यवाणियां और नई समझ विकसित करने में उपयोग कर सकते हैं। तो डेटा समझने में केवल मात्रा ही नहीं बल्कि गुणवत्ता और विविधता भी जरूरी है। पैटर्न पहचानना और कनेक्शन बनाना मुख्य है जो अभी स्पष्ट न हो। पैटर्न रुझानों, व्यवहारों और परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए जरूरी है। इसलिए अगली बार फोन उठाएं तो याद रखें, आपके कार्य से होने वाला हर डेटा सूचना के आपस में जुड़े हुए इस विशाल जाल में योगदान देता है। और डेटा समझकर ही हम AI की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।